गुड इवनिंग एवरीवन। यस मंदर हेलो आदित्य, आई एम ऑडिबल। नैना आवाज आ रहा बेटा? यस आई एम ऑडिबल, आवाज आ रहा मेरा? हम एक मिनट वेट कर लेते हैं, सबको आ जाने देते हैं। नाउ आज भी इवनिंग में भी हम ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे, हॉट क्वेश्चन, उसको अपन कर लेते हैं। मॉर्निंग में हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, है ना। कल से अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर, सेकंड दैट मीन्स कल से अपन सर्कल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लेंगे, समझा? चल हम करेक्ट 2 मिनट और वेट करते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाएं हमारे प्रॉपर वे में, सब सेट हो जाएं, बैठ जाएं आराम से, फिर अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यस पूजा बताओ बेटा, पूजा कुछ पूछना है बेटा? पूजा बोलो बेटा। सर क्वेश्चन लेने के? हाँ अपन ट्राइगोनोमेट्री कुछ और क्वेश्चन में लेके आए हुए है ना, उसको अपन कर लेते हैं पहले। ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। श्रेया दो क्लास नहीं है, एक ही क्लास है हमारा। एक क्लास, दो क्लास बोले तो दूसरा कौन सा क्लास चालू है? सर एग्जाम, एक ही क्लास चालू है। ट्राई दिस वन। प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मॉर्निंग में ऐसा किए थे अपन, लगाई दिमाग कैसे करेंगे के जी? ये मानो कि ये क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे ट्राइगोनोमेट्री से रिलेट, आइडेंटिटी से रिलेट कोई भी क्वेश्चन बनेगा, लगाओ दिमाग, लगाओ कैसे करेंगे। हाँ दित्य बोलो। सर आज सुबह क्लास हुई थी क्या? हाँ हुई थी क्लास सुबह मॉर्निंग में। सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई थी। नोटिफिकेशन नहीं आया था तो मॉर्निंग वाले ग्रुप में आप नहीं हो क्या? सर एक बार लिंक भेज दो ना सर। चलो मैं भेजता हूँ थोड़ी देर से, ठीक है? ठीक है सर। ओके हाँ निकिता बोलो बेटा। ट्राई दे, इसको ट्राई करो आराम से, कैसे करेंगे? सैडो बोल रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके करते हैं, हो गया। पूजा अपने तीन ग्रुप हैं, एक अभी रिसेंटली न्यू बैचेस के लिए खुला ग्रुप बना हुआ है हमारा मैथ्स का, सेकंड वन हमारे मैथ्स के दो अलग से ग्रुप हैं, एक हमारा टेंथ का जो रेगुलर इवनिंग में चल रहा है 6 PM पर, और एक हमारा मॉर्निंग जो 7 AM चल रहा है, एक जो सुबह 7 बजे चल रहा है, एक जो सुबह हमारा इवनिंग में 6 PM पे चल रहा है, ठीक। तो इस वाले ग्रुप पे मैं जो मॉर्निंग वाली क्लास का जो लिंक है उसको सेंड करूंगा, तो उससे आप लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है? ओके ओके श्रेया समझ गया, मैं समझ गया, बात करता हूं मैं। चलो इसको ट्राई करो पहले, इसको कैसे करेंगे दिमाग लाओ। यस पीयूष कैसे करेंगे बताइए? रेशनलाइज से मॉर्निंग में किए थे अपन इसको, है ना, इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करो। टेक LHS इक्वल टेक यस बेटा समझा रहा हूं, चिंता मत करो रौनक, समझा रहा हूं, स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। टेक LHS इक्वल टेक LHS इक्वल कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक। टेक कॉस ए माइनस साइन ए, अभी अभी मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? आवाज आ रहा है मेरा? टेक LHS इज इक्वल कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन
डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, इसको अपन मॉर्निंग में किए थे ऐसे क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताओ फटाक से, कैसे करेंगे बताइए। देखो हम रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड और है, मॉर्निंग में अपन ने किया था इसको रेशनलाइजेशन से, मॉर्निंग में हमने इसको किया था रेशनलाइजेशन से, अभी अपन इसको करते हैं नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल हम इसमें रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं। देखो साइन कॉमन ले लो, साइन टेक साइन कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन माइनस, साइन तो बाहर चला गया, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन। बहुत इजी वे में देखना, और डिनोमिनेटर से भी साइन कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस ए अपॉन साइन, साइन बाहर गया माइनस वन अपॉन साइन। चलिए अभी इसमें किसी को डाउट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अभी जो साइमल्टेनियसली क्लास चल रही है ना वो न्यू बच्चों के लिए चल रही है ना, जो बच्चे अभी क्लास टेंथ में हैं हमारे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए वो क्लास नहीं है, उनका जो पहले जो हमारा टाइम था एज इट इज वही रहेगा, जो हमारा फिजिक्स का क्लास चल रहा है ना वो हमारे न्यू बच्चों के लिए है, समझे, जो नाइन्थ से हमारे टेंथ में कन्वर्ट हुए। इसको देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने यहां से साइन कॉमन लिया, हमने क्या किया फर्स्ट वाले ऊपर ऊपर वाले जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में से अपन ने न्यूमिनेटर से साइन कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से भी क्या किया साइन को कॉमन लिया, अच्छे से देख लो, जिसको डाउट है पूछो। नाजिया बोलो बेटा, नाजिया अभी देखो साइन कैसे कॉमन लिया, हाँ सर अभी बोलो साइन बेटा, देखो हम यदि देखो साइन का अंदर मल्टीप्लाई करें, विष्णु वन मिनट, हम यदि साइन का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे देखो साइन साइन कैंसिल, रिमेनिंग कॉस बचेगा, वन इंटू साइन साइन रहेगा और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो वन बचेगा, हमने होल इक्वेशन में से साइन कॉमन ले लिया, और यू कैन से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, साइन का डिविजन कर दिया, सीधी सी बात, बिल्कुल क्लास टेंथ का है बेटा, क्लास टेंथ का ये, कॉस भी ले सकते हैं लेकिन देखो हमको यहां पर चाहिए कॉट, कॉट और कॉसेक में आइडेंटिटी कन्वर्ट करना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग साइन कॉमन, हमें जो आइडेंटिटी बनानी है वो कैसे बनानी है अपन को, आपको देखो आरएचएस में दिख रहा है, आरएचएस में हमें कॉट और कॉसेक चाहिए, तो वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है हमारा कॉसेक और कॉस अपॉन साइन होता है बेटा हमारा कॉट, समझा, यस सर ये बोलो बेटा आप, अंजलि देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, अंजलि फिर से सुनना, हमने न्यूमरेटर से साइन कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से भी साइन कॉमन लिया, या यू कैन से हमने साइन का न्यूमरेटर में और तो साइन का डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, डिवीजन, समझे, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो प्लीज, इट्स वेरी इजी। विष्णु बोलो बेटा, विष्णु अपॉन साइन ए कैसे आया, देखो बेटा बेटा देखो ध्यान सुनो, हमने पहली वाली इक्वेशन में से ये दिख रहा ना फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में से साइन कॉमन ले लिया, जैसे साइन कॉमन लेंगे यहां पर साइन नहीं है तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, यहां का साइन बाहर चला गया, यहाँ भी साइन नहीं है तो हमारा डिवीजन में आ गया, तो सर ये साइन है कैंसिल भी हो सकता है ना, अभी अभी कैंसिल करेंगे, अभी तो अपन पहले स्टेप पे अटके हुए। ओके सर थैंक यू, ठीक रौनक की न्यू बैच नहीं है, न्यू बैच हमारा इसके बाद लगेगा। ओके सर ठीक है, ओके सर, ओके बेटा ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है इसको पहले समझ लेते हैं, रेशनलाइजेशन वाला भी इजी है वैष्णवी, देखो ध्यान से देखो हम केवल कर क्या रहे हैं, और इजी है ये, हमारा कम स्टेप में हो जाएगा, बहुत कम स्टेप में हो जाएगा, हम क्यों सेम चीज बार बार रिपीट करें, वेरिएशन आएगा तब तो मजा आएगा ना, अगेन आई एम रिपीटिंग, आसरा में फिर से समझा रहा हूं, हमने क्या किया न्यूमरेटर से ऊपर वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से
साइन कॉमन ले लिया, तो देखो जिसके पास साइन नहीं है उसकी डिवीजन में जाएगा, यहां पर था तो बाहर चला गया, तो वन बचेगा, इस वन के पास नहीं है तो डिवीजन में हो गया। सेम बेटा देखो डिनोमिनेटर में, कॉस के पास साइन नहीं है तो डिवाइड में गया, साइन के पास साइन है तो हमारा बाहर चला गया, और वन के पास साइन नहीं है तो वो डिवीजन में आ गया। सीधी सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, समझे पूजा। इसके अलावा जो स्टेप है वो हमारा रेशनलाइजेशन वाला, तो एक अपन रेशनलाइजेशन वाला मॉर्निंग में समझ चुके हैं, अभी अपन बहुत सिंपल मेथड समझ रहे हैं, है ना। स्कूल में डायरेक्ट क्या कराते हैं आपको, रेशनलाइजेशन बता देते हैं, ये बहुत ईजी है, ठीक। अभी अपन क्या करेंगे देखो ध्यान से, अभी हमारा क्या होने वाला है, अभी अभी देखो हमारा क्या होने वाला है, रिया वन मिनट बेटा रिया, ये देखो ये वाला पार्ट कैंसिल, ठीक। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा हमारा, कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या होगा हमारा, आपको पता है कॉस अपॉन साइन दैट मींस कॉट। हेलो सर, ठीक, माइनस वन और वन अपॉन कॉस साइन मतलब की हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। पूछो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ सर, ये अपना ओल्ड बैच है ना कि न्यू बैच आपने स्टार्ट किया आज से? नया वाला बैच हमारा 6-7 बजे से रहेगा। अभी ओल्ड बैच है ना? अभी ओल्ड बैच, ओल्ड बैच। ओके सर, वही पूछना था सर। और सर इसके पहले का जो स्टेप आपने ये समझाया ना, तो वापिस समझा सकते कि इधर लेट हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो वो नेटवर्क इशू था इधर सर, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। फिर से देखो, फिर से देखो, कुछ भी नहीं बेटा, चीजें ऐसी वाली चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने न्यूमरेटर से साइन कॉमन लिया, हमने न्यूमरेटर से क्या किया साइन को कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर से भी क्या किया साइन को कॉमन लिया। जैसे हमारा न्यूमरेटर साइन कॉमन हुआ तो क्या बचा, कॉस अपॉन साइन माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन, सेम डिनोमिनेटर से साइन बार गया तो क्या बचेगा कॉस अपॉन साइन, साइन बार चला गया तो क्या बचेगा वन बचेगा, और ये वन अपॉन साइन। सीधी सीधी बात है, साइन से साइन कैंसिल, ठीक। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट। वन हमारा एज इट इज, वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस है, सेम बेटा सेम, यस विष्णु करेक्ट। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, वन हमारा एज इट इज, और वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बताए बेटा, क्लियर है आसरा, क्लियर है बेटा, चलो। तो चीजें समझोगे तो समझ में आएगा। अभी देखो आगे करना क्या, अपन को सर साइन साइन अपन साइन कट गया तो सिर्फ इतनी वैल्यू रहेंगी ना हमारी? हाँ 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 हाँ, अभी देखो, अभी कॉट ए एज इट इज प्लस कॉसेक एज इट इज, देखिएगा ध्यान से, कॉसेक ए एज इट इज माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन, ये लिखा रहने दो, प्लस वन माइनस कॉसेक ए। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, है ना, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा या समझा होगा, वो होता है, ध्यान से सुनना, वो आइडेंटिटी हमारी होती क्या होती कोई बताएगा? एक आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, कॉट और कॉसेक वाला एक आइडेंटिटी सुने होंगे, क्या होता बताओ? ये होता हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल वन, आराम से नोट करते जाइएगा। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना, तो इस वन के प्लेस पर पुट करेंगे अपन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इन ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर ए।
क्लियर, डिवाइडेड बाय आसिया बेटा पहली वाली स्लाइड बता रहा हूं मैं, थोड़ा वेट करना, थोड़ा वेट करो, डिवाइडेड बाय कोटे प्लस वन माइनस इज इक्वल, आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही बेटा मेरी? यस, रौनक फॉर्मूले को अपन और सिंपल, ये बहुत सिंपल ही है। चलिए अभी देखो अपन क्या करें, देखो ध्यान से, वन मोर स्टेप, कॉट ए एज इट इज प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज करो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेकेंड ब्रैकेट में लिखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यस बेटा मेरी वॉइस आ रही है ना? यस एवरीवन, आई एम ऑडिबल। चल अभी इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगी, नेटवर्क इशू हो रहा था, नो इशू। इस वाले स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, यस एवरीवन, यस को लिखते जाओ। फर्स्ट वाला स्लाइड देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं विष्णु, चिंता मत करो। फर्स्ट वाले स्लाइड में अपन ने क्या किया, साइन कॉमन लिया, ठीक। फर्स्ट वाले में क्या किया, साइन कॉमन लिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। आरएन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले से अपन ने क्या किया, साइन कॉमन लिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ये हमारा थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ध्यान से। न्यूमरेटर से भी साइन कॉमन, कोई बच्चा भागेगा नहीं, पूछेगा बेटा। तो हमारा देखो, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन, जहां पर साइन नहीं है वहां पर क्या कर दो, डिवाइड में कर दो, तो कॉस अपॉन साइन माइनस, यहां पर साइन तो यहां पर वन बचेगा और यहां पर हो जाएगा वन अपॉन साइन। सेम बेटा डिनोमिनेटर में है ना, साइन कॉमन गया तो कॉस अपॉन साइन, यहां वन बचेगा, यहां पर वन अपॉन साइन, ठीक। क्लियर है इतना विष्णु? क्लियर है बेटा विष्णु? सर थर्ड वाला स्टेप क्लियर नहीं है। सेम, सेम देखो सेकंड वाले स्लाइड में क्या हमारा, देखो सेकंड वाले स्लाइड में जो हमारा साइन अपॉन कॉस था उसको अपन ने लिखा कॉट, वन हमारा एज इट इज और वन अपॉन साइन को अपन ने लिखा कॉस। सेम साइन अपॉन कॉस को अपन ने क्या लिखा, कॉट, वन हमारा एज इट इज और वन अपॉन साइन को अपन ने क्या लिखा, कॉसेक लिखा, ठीक। अब हमने इसको अरेंज किया थोड़ा सा, बेटा देखो कॉट और कॉसेक कहां से आया, देखो रौनक अभी आप टेंथ में हो, टेंथ से टेंथ में भी आए हो रौनक, यस वाई आइडेंटिटी, वेरी गुड पूजा। तो देखो हमने कॉट एज इट इज लिखा प्लस कॉसेक माइनस वन, वन के प्लेस पे हमने आइडेंटिटी लिखा, वन के प्लस पे यू कैन राइट कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस वन, ठीक। तो यहां पर पुट किया हमने, देन इसके बाद अपन ने क्या किया, आफ्टर दिस हमने, आफ्टर दिस कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, यहां पर अपन ने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। अभी क्या करना है, अभी करना है अपन को न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट कॉमन ले लो, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले लो, देखो दिख रहा होगा आपको, न्यूमरेटर में आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका वन माइनस
वन माइनस कॉसेक ए कॉसेक ए माइनस कॉट, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है देखो ध्यान से कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक। मेरी आवाज अभी भी गड़बड़ आ रही है, आई एम नॉट ऑडिबल, यस एवरीवन आवाज आ रही बेटा मेरी? देखो रिपीट रिपीट फिर से कर दे रहा हूं, आपने आंसर लिखा होगा, आपने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, प्लस वाला पार्ट बेटा देखो हमने कॉमन ले लिया, मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूं, ये प्लस वाला पार्ट कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया, देखो ध्यान से ये वाला पार्ट अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, यहां पर बचेगा वन और यहां पर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अभी देखो इसको सॉल्व करो, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट सॉल्व करो तो ये बचेगा वन, नंदिनी समझा रहा हूं बेटा समझा रहा हूं, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और देखो डिनोमिनेटर वाले को भी ऐसे लिख दो, वन पहले लिख दो देन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। जो वैल्यू कट हो रही है उसको कट कर दो, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कोई भी जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आर एच एस, स्टार्टिंग से देखो सब लोग स्टार्टिंग से देखो, सभी लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, आराम से सोचो समझो देन अप्लाई करो, आराम से देखो पहले स्टार्टिंग से, नहीं समझ में आ रहा आई नो दैट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखो को बनेगा। पहला स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप में हमने सबने क्या किया, साइन को कॉमन लिया बेटा फर्स्ट वाले स्टेप में, ठीक। नाजी आ रहा हो बेटा, वॉइस किसी को नहीं आ रही क्या, यस एवरीवन मेरी वॉइस आ रही है ना, क्लियर आ रही है या ब्रेक हो रही है, यस अभी आवाज आएगी मेरी नाजिया, मैं यहीं कहीं नहीं जाऊंगा चिंता मत करो, यहीं पर हूं मैं। देखो ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या किया, पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या किया, साइन कॉमन लिया है ना, पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या किया, साइन कॉमन लिया और साइन से साइन उड़ा दिया, साइन से साइन अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉस क्यों किया, देखो क्यों किया, क्योंकि आपको बनाना है कॉट और कॉसेक के टर्म में है ना, कॉट और कॉसेक के टर्म में बनाना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग साइन कॉमन। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है बेटा हमारा, आधा घंटा हो गया, देखो ध्यान से हमने साइन कॉमन लिया, साइन कॉमन हमने क्यों लिया है ना, क्योंकि रीजन ये हमारे पास, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, पूजा कितना अच्छे से बता रही है, देखो कॉसेक और कॉट लाना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग साइन कॉमन, इतनी सी बात है ना, तो हमने साइन कॉमन लिया तो यहां पर बन जाएगा कॉस अपॉन साइन के प्लेस पे बनेगा कॉट, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, और वन अपॉन साइन के प्लेस पे बनेगा बेटा हमारा कॉसेक, समझे, ठीक। तो देखो ये बन गया हमारा कॉट, ये वन तो वन ही था, ये हो गया हमारा कॉसेक, ये हमारा कॉट है, ये वन का वन ही है, ये हो गया हमारा कॉसेक। अभी हमने इसको थोड़ा अरेंज किया, कॉट ए लिखा फिर प्लस लिखा कॉसेक ए माइनस वन, वन के प्लेस पर अपन ने क्या किया हुआ, ये आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी थोड़ी सी बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, वन के प्लेस पर अपन ने ये आइडेंटिटी यूज किया, कौन सा
कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। ठीक, वन के प्लेस पर अपन ने क्या कर दिया, ये आइडेंटिटी यूज किया, ये यहां पर देखो लगा दिया। आफ्टर दिस हमने इसमें ब्रैकेट लगाया अच्छे से, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये देखो प्लस वाला पार्ट अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा, देखो रिमेनिंग बचेगा हमारा वन माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो जैसे ये कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा था, वन माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो माइनस कॉस ए, माइनस माइनस प्लस तो प्लस कॉट ए। नीचे वाले पार्ट को हम इसके जैसे अरेंज करेंगे, नीचे वाले पार्ट को अपन इसके जैसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो वन प्लस का पहले लिखा, कॉस ए का अपन ने पहले लिखा, ये कॉट वाला पार्ट ये जो प्लस का है ये अपन ने पीछे लिख दिया, ये दोनों सेम थे तो कट कर दिया, उड़ा दिया अपन ने। रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, कॉट ए प्लस कॉस ए, हमको यही प्रूफ करना था। देखो क्या प्रूफ करना था, कॉस ए कॉस ए और कॉट ए। अभी सेकंड क्वेश्चन दे दूं या यही वाला समझाऊं फिर से, बताइए बेटा। सेकंड क्वेश्चन दे दूं नाजिया, ओके चलेगा आर्यन, सेकंड दे दूं मैं, चलो ट्राई नेक्स्ट। अभी ये करो, ये बहुत इजी है, ये सुबह किया था मॉर्निंग में, करो इसको फटाफट। भूषण अपन ठीक है ना जी, ओके बेटा ओके, हम रेशलाइजेशन से भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, इस वाले क्वेश्चन को भी रेशलाइजेशन से कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लगाओ दिमाग, लाओ कैसे करेंगे। इफ यू आर टेकिंग आर एच एस तो वो हमारा रेशलाइजेशन से हो जाएगा, इफ यू टेक एल एच एस तो हमें नॉर्मली उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना है। यदि हम क्या कर रहे हैं, इसका आर एच एस वाला पार्ट ले रहे हैं तो वो हमारा रेशनलाइजेशन से होगा, और यदि आप इसका एल एच एस वाला पार्ट ले रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मली हो जाएगा। लगाइए दिमाग लगाइए, टेक एल एच एस, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, देखो अब बाद में लगाएंगे इसको अपन। नैना का हो गया है ओके, नॉर्मल करेंगे, पूजा बोल रही है वेरी गुड बेटा, यस आर्यन समझाता हूं, कॉसेक को अपन लिखेंगे वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट का वैल्यू क्या होगा हमारा, कॉस अपॉन साइन, ठीक, इट्स वेरी इजी। टेक साइन एलसीएम, ऊपर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ ये मॉर्निंग में ही किए थे, सुबह 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 किया था आज, ये हो जाएगा हमारा वन माइनस, ये हमारा हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डिवीजन में आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिखोगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यू कैन राइट हियर वन मोर स्टेप, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यू कैन टेक वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व इट, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा,
सिद्धि कहां पर डाउट है बोलो बेटा, थर्ड स्टेप कहां पर, वन टू थ्री, यहां पर, यहां देखो बेटा अपने साइन थीटा एलसीएम लिया, यहां पर बेटा हमने देखो साइन को एलसीएम लिया, एलसीएम, और साइन यदि हमारा एलसीएम आएगा मतलब कि ये बचेगा वन, सेम वैल्यू है तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना है, सेम वैल्यू है तो ऊपर हमारा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सेम क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी ये स्क्वायर है तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया, स्क्वायर को अपन ने क्या किया हुआ सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया, क्लियर, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिखेंगे क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिखेंगे वन माइनस वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट मीन्स वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हमारा वन माइनस कॉस थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो a प्लस बी वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचेगा वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा आर एच एस। यस एवरीवन क्लियर बेटा, निकिता क्लियर है, आयुष रवि विष्णु क्लियर है, चलो ट्राई नेक्स्ट, डाउट है विष्णु कहां पर डाउट है, पूछो विष्णु कहां पर डाउट है, लास्ट वाले स्टेप में वन प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉट थीटा कैसे आया, कहाँ पर सर, लास्ट वाले स्टेप में, लास्ट वाले ये वाले में, हाँ ये दोनों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सिंपल है, अच्छा ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट किया, या या स्क्वायर वाला, थैंक यू सर समझा। अब इसको करो कैसे करें, ये भी अपन मॉर्निंग में किए थे आज, हाँ निकिता बोलो बेटा, निकिता कुछ पूछने हैं पूछो बेटा, हेलो सर, यस निकिता, हाँ बताओ बेटा, सर मॉर्निंग की बैच कब होती है, मॉर्निंग का होता बेटा हमारा 7 AM सुबह 7 बजे, करेक्ट, ओके, ओल्ड बैच होती है ना सर, हाँ ओल्ड बैच ही है अपना, मैं उसका लिंक आज अपडेट फिर से कर दूंगा तो उसको करिएगा, ठीक है, ओके सर थैंक यू, इसको ट्राई करो कैसे करेंगे, हेलो सर, अरे विष्णु रेशनलाइजेशन के पीछे क्यों पड़े हो, सिंपल से डायरेक्टली हो जाएगा, तो हेलो सर, हाँ आसरा बोलो, मुझे इससे पहले वाले का पूछना था, ये वाला पूछो, जो आपने आर एच एस लिया था, हाँ वो देयर फोर करके ही आंसर डाल रहा है ना, हाँ हाँ नाउ नाउ आर एच एस आ गया, देन दिस इज आर एच एस, देन लिख देना देन एल एच एस इक्वल आर एच एस, और यू कैन से दिस इक्वल दिस, हेंस प्रूव, यस श्योर, और उसके ऊपर में जो है ब्रैकेट, हाँ बेटा वो भी सेम लिखना ही है ना, सेम 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 लिखना है, सेम लिखना है, यस सर, चलो ट्राई दिस वन, यस परी बोलो बेटा बोलो, एनी डाउट बेटा, टेक LHS इक्वल, धीरज बात कर सकते हो, धीरज रिक्वेस्ट भेजो, मैं बात कर रहा हूँ, कोई डाउट है धीरज, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखो ध्यान से, एनी डाउट बेटा, टेक एलएचएस, हमने एलएचएस वाला पार्ट लिया हुआ है, एलएचएस वाला पार्ट, नाउ अभी हम यहां पर लेंगे एलसीएम, है ना, क्या लेंगे अपन यहां पर बेटा एलसीएम, एलसीएम, आप पूछो बोलो बेटा, एलसीएम लेने से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट यहां ये वाला पार्ट यहां जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था होल स्क्वायर, और नीचे आएगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर दो। हाँ बेटा बोलो, पूछ पूजा। बोल रही थी कि मॉर्निंग में अल्जेब्रा लेते हैं। मॉर्निंग में? हाँ सर। क्या बोल रहे हो सर? मॉर्निंग में अल्जेब्रा लेते तो अच्छा होता। कल से अपन स्टार्ट कर देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं, ठीक है कल। अभी देखो अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर में कॉस हमारा एज इट इज था, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में अपन ने आइडेंटिटी यूज किया, कौन सा आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। आदित्य पूछो बेटा, आदित्य ये वन प्लस साइन ए एज इट इज है और मल्टीप्लाई में कॉस ए, ठीक। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? वन हो जाएगा, और वन स्क्वायर हमारा वन एज इट इज है, ठीक। प्लस टू साइन ए, किसी को भी डाउट हो बेटा पूछ सकता है, वो डिनोमिनेटर में लगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ ये वन प्लस वन हो जाएगा हमारा टू, प्लस टू साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस सॉरी वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। टू कॉमन ले लो तो बचेगा वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों पार्ट कैंसिल। करण इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक तो नहीं है, कॉमन सेंस है, बार बार अपन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनेंगे। टू साइन ए कैसे है आसिया? देखो ध्यान से, ये देखो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बताओ बेटा कहां पर डाउट है? रिमेनिंग बचेगा हमारा टू अपॉन कॉस, और टू अपॉन कॉस बोले तो टू सेक ए। सेकेंड वाले स्टेप में, थर्ड वाले स्टेप में डाउट है। डाउट बताओ सर, इधर जो सेकेंड वाला स्टेप है ना, मतलब ये वाला और थर्ड ये, हाँ हाँ बताओ, मतलब इधर ये इधर ए बी का फॉर्मूला पुट किया वो समझा, फिर इधर कैसे स्क्वायर आया यहाँ पर फर्स्ट वाले ये सेकेंड वाले में, देखो ए कॉस स्क्वायर था एज़ इट इज़ था हमारा, ये वन प्लस साइन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर सर इधर ये जो इधर आपने इधर लाइन मार्क साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा वन। यस सर। वन स्क्वायर हमारा वन एज इट इज, टू साइन ए हमारा एज इट इज, क्या दिक्कत है बताओ सर? ये इधर वाले स्टेप में 2 प्लस साइन इज इक्वल टू इधर कैंसिल कैसे किया, मतलब समझा? 1 प्लस 1 हो जाएगा, हो गया हमारा 2 साइन ए हमारा एज इट इज, 2 बेटा अपन ने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा? 2 अपॉन कॉस ए, कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता sec, तो ऊपर sec पहुंच गया। थैंक यू सर। ओके बेटा, यस रवि बोलो बेटा, एनी डाउट रवि? सर यहाँ पर कई स्टेप बताए ना सर, ये थर्ड स्टेप में क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, ये कैसे आया? देखो
कुछ नहीं किया हमने, हमने यहाँ पर यूज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। नेहा बेटा वन मिनट, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर, टू ए मतलब कि वन, तो वन तो कुछ भी नहीं है ना, और बी मतलब कि साइन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। रवि क्लियर है? हाँ सर अभी रवि, हाँ सर अभी क्लियर है। चलो यस आसरा बताओ बेटा, एनी डाउट आसरा पूछो। यस सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसमें कैसा है, ये समझा नहीं मेरे को यहाँ से। ओके ओके ओके, देखो घबराना नहीं है, देखो ये क्या लिखा ये बताओ, ये क्या लिखा बेटा ये बताओ, ये क्या लिखा है? प्लस वन साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके हाँ। प्लेस पे बेटा अपन ने इतना लिखा हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अभी चमका कि नहीं चमका? हाँ समझा, समझ गया ना, ठीक है। तो वो प्लस और स्क्वायर साइन वन उसको भी एक और बार लिखना है क्या वैसे? नहीं नहीं नहीं, फिर अपन ने क्या किया देखो, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख दिया बेटा वन, आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी होता है बेटा वन। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए? हाँ हाँ, आगे बढ़े। अभी किसी और को पूछना है बताओ, पूछ लो मुझे कोई इशू नहीं है, आप 10 बार पूछेंगे बताऊंगा मैं। निकिता पूछना है बेटा, निकिता, धीरज आप बताओ बेटा, धीरज आगे बढ़े। चलो सुजलन का ट्रिक नहीं होता है ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है हमारे, इन क्वेश्चन को आपको दिमाग लगाना है, दिमाग। हाँ धीरज बोलो बेटा। सर पिछले स्लाइड में जाइए ना। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन लिख लेने दो, सब लोग ये क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड लिख लो अच्छे से, पहले लिखो सब लोग। बताओ बेटा कहाँ पे डाउट बताओ। सर वन प्लस वन प्लस टू साइन ए के उधर डाउट है सर। कहाँ पर यहाँ पर वन प्लस वन टू हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, टू पहले से था, टू हमने कॉमन ले लिया बेटा, क्या दिक्कत है? सर वो वन प्लस वन कैसा है ये डाउट है। ओके देखो साइन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? इज इक्वल वन सर। तो ये मैंने ये वन लिख दिया और ये वन पहले से है, अभी आया समझ में? यस सर। इतनी सी बात है बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो आदित्य फिर से रिक्वेस्ट भेजो, मैं बात कर रहा हूं आदित्य, प्रूव दैट वन प्लस सेक। यस आदित्य, ट्राई दिस वन, वन प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल साइन स्क्वायर a अपॉन वन माइनस cos a, इट्स वेरी इजी, करो सॉल्व। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर वो पिछली वाली sec नहीं समझी। ओके कहाँ नहीं समझी बताओ। सर वो वन प्लस वन कैसे है? अभी अभी देखो बताया, देखो बेटा यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ आयुष आदित्य, बताओ बेटा आदित्य, आई एम ऑडिबल, आवाज आ रहा बेटा मेरा? नहीं सर आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बताओ। सर नहीं पता। स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ आदित्य। आदित्य इसके बाद मेरी बेसिक क्लास है, तुम उसको भी ज्वाइन कर लो। यस सर। है ना, नए बच्चों के लिए, वो नए बच्चों के लिए आप ज्वाइन करोगे, बहुत मजा आने वाला है।
मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग ज्वाइन कर लें, आप लोग 7 PM वाली क्लास सब लोग ज्वाइन करें, बेसिक क्लास है ट्राइगोनोमेट्री में, कंप्लीट कराऊंगा बेसिक, ठीक। यहां पर ये वन कैसे आया मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं जिनको भी डाउट है, ये लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वन होगा, और वन पहले से है तो वन प्लस वन हो गया, समझे कि नहीं समझे? समझे 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 ना, चलो इसको करो सॉल्व इस वाले को, फोर्थ कर रहे थे हम, आज तो बहुत कम ही क्वेश्चन हुए हैं, एक घंटा पूरा होने वाला है, दैट्स व्हाई ट्राइगोनोमेट्री हमारी ऐसी है। सर आई हूँ अभी, यही क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं, तुम और क्वेश्चन दे रहे हो, देखता हूँ मैं, देखता हूँ, वेट करो थोड़ा। हो गया अंजलि, आज आर्यन आंसर नहीं दे रहा है, आर्यन आर्यन गोरे कहीं चले गए क्या बेटा? अभी देखो इसमें करना क्या है, LHS भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं, क्या कर रहे हो, क्या लेना है बताओ, LHS take LHS, हाँ take LHS, RHS लेना है, दोनों से कर सकते, नो इशू, यस पूजा करेक्ट, एक्सक्लूसिव वाला जो ग्रुप है ना उसमें अभी अपन जस्ट 7 बजे से बेसिक ऑफ ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, टेक LHS इज इक्वल 1 plus sec a अपॉन sec a, ठीक। अभी क्या करो, इट्स वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, आप इसको लिखो 1 plus sec के प्लेस पर लिखो 1 upon cos, और नीचे वाले सेक के प्लेस में 1 upon cos लिखो, ठीक, बहुत इजी है, देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए प्लस वन, और ये 1 upon cos ए, कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच रहा है इसको अपन ऐसे लिख लो 1 plus cos, ठीक। अभी यहां पर क्या करो, रेशलाइज करना है, न्यूमिनेटर का रेशलाइज, सॉरी यहां पर हम करना है न्यूमिनेटर का रेशलाइजेशन, न्यूमिनेटर का रेशलाइजेशन कैसे करेंगे देखो, थैंक्स रवि, थैंक्स बेटा, 1 plus cos a upon 1, टेक द रेशलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, कैसे करेंगे, 1 minus cos a upon 1 minus cos a, ठीक। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 minus cos a, तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में जाएगा 1 minus cos a, ये हो जाएगा हमारा RHS राइट हैंड साइड, विष्णु मैं बोल रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन क्लियर नहीं है, 1 मिनट, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सा अपन करना क्या है, टेक LHS, LHS में क्या लिखा है हमारा 1 plus sec a upon sec a, sec के प्लेस पे अपन ने लिखा हुआ है 1 upon cos, है ना, डिनोमिनेटर में भी सेम है 1 upon cos, यहां पर अपन ने cos LCM लिया, 1 into cos, cos और plus 1, cos से cos अपन ने कैंसिल किया,
रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। देन मैंने बोला कि हमने न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर में उसका रेशनलाइजेशन किया, किसका किया अपन ने, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का नहीं किया, न्यूमरेटर में जो नंबर है अपन ने क्या किया, उसका रेशनलाइजेशन किया, है ना। कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन सॉरी अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक। और 1 स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आरएचएस हो जाएगा। पूछो नितिन कहीं पर डाउट है, नितिन बोलो बेटा, नितिन हेलो बोलो हाँ बेटा सर, इजी मेथड नितिन, ट्राइगोनोमेट्री में इजी मेथड ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझ लाना सर आपको। नितिन आप पहले पढ़े हो ट्राइगोनोमेट्री, पहले समझो कभी, पहली बार कर रहे हो। चलिए ट्राई नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। विशाल क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या विशाल? विशाल मन लगाएंगे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगा विशाल, है ना। ये हमारा ट्राइगोनोमेट्री जो कंसेप्ट है वो है ही थोड़ा सा ऐसे, जिनका दिमाग लगे, जिनको बन रहा होगा, जिससे बनेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, और जिनसे नहीं बनेगा उनको बोरिंग ही लगने वाला, जिनको बनेगा उसको मजा आएगा, और जिसको नहीं बनेगा उसको उसका दिमाग खराब होने वाला है। यस करेक्ट करेक्ट पूजा, वेरी गुड, है ना। सिंपल सा है कि यदि हमें चीजें समझनी है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो सर, प्लीज अलजेब्रा लूना सर मॉर्निंग में। हाँ कल से ले रहा बेटा, कल से कंफर्म, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? कल से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है सर? वो तो ज्योमेट्री में होता है ना, अलजेब्रा ले ले सर, वो ज्योमेट्री में। कौन सा, ठीक है कौन सा चैप्टर ले ले बताओ अलजेब्रा में? सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ले ले, इसको अपन किए ना एक बार, पढ़ चुके हैं आई थिंक सो, आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे, ओके। उसके अलावा एलजेब्रा का बहुत सारा पार्ट कर लिए, उसके अलावा और दूसरा चैप्टर सर, चार ही चैप्टर आने वाले, कौन कौन से? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ। चैप्टर का नाम बताओ। प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, ये चारों कर चुके मैं, सोचो इनको रिपीट करूंगे फिर से रिपीट कर दूं। हां सर शॉर्ट में, ठीक है हार्ड क्वेश्चन में, ठीक है चलो आई विल ट्राई, ठीक है ठीक, ओके बेटा ट्राई दिस वन। इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करो। यस प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अंजलि अपन दो टाइम है, एक टाइम अपन कोऑर्डिनेट ले लेंगे, एक टाइम अपन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एपी या फिर हमारा प्रोबेबिलिटी में से एक चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में अपन कोऑर्डिनेट ले सकते हैं या इवनिंग में अपन कोऑर्डिनेट ले लें, तो दोनों अलग अलग टाइम अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, नो इशू। सर नो नेगेटिव पे कोई है क्या? और यस पूजा, यस यस क्या बोल रहे हैं वाले सर? यस बेटा चलो, इट्स वेरी इजी, टेक एलएचएस। जिन बच्चों को बेसिक समझना है वो मेरी इसके जस्ट बाद वाली क्लास में आ सकता है ना। हमारे क्लास 10th का बिल्कुल बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाला है आज से, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलएचएस। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके टॉनी, ओके बेटा, नो इशू। टेक साइन थीटा कॉमन, रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप खुद ही करेंगे, यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लो तो रिमेनिंग बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, साइन थीटा वन कॉस थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी ऐसा कुछ दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल हो जाए, ऑटोमेटिकली आपका क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली आपका बचेगा टेन थीटा। समझे? बाकी बाकी अपन कल करते हैं कल। आई होप कि मैं मॉर्निंग में क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी या आपका लीनियर इक्वेशन से एक चैप्टर ले लूं, इवनिंग में अपन कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों क्लास अटेंड करना है, जिनको कोऑर्डिनेट समझना है वो कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे कल से, और जिनको क्वाड्रेटिक समझना है वो क्वाड्रेटिक या लीनियर या प्रोबेबिलिटी भी समझ पाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कैंसिल करना है दिमाग लगा के। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा। कल का टाइमिंग मॉर्निंग का 7 AM और इवनिंग का हमारा 6 PM। ठीक, थैंक यू।